दूसरी सूची को लेकर नाराजगी सिर्फ बिहार बीजेपी में नहीं है बल्कि बीजेपी का लगातार झंडा बुलंद कर रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव भी नाराज हैं। और नाराज की वजह क्या है, उनके चहेतों को तवज्जो नहीं दी गई, मनपसंद सीट नहीं दी गई या टिकट ही नहीं दिया गया। इनमें सबसे अव्वल है नवल किशोर यादव, ये पाटलिपुत्र से सीट चाहते थे लेकिन वो दे दी गई आरजेडी से नए नए आए रामकृपाल यादव को। अब रामदेव कह रहे हैं कि भैया मैं तो शर्त रखूंगा, उसी के बाद बीजेपी को समर्थन दूंगा। हो सकता है कल परसों में, हम अभी इसके ऊपर दोबारा से विचार कर रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए को समर्थन किन शर्तों पर दिया जाए, उसके लिए पहले लिखित में लेंगे। उनका शीर्ष नेतृत्व तो यदि हमारी बातों से सहमत होगा और दो चार लोग ये गलत भी लेते हैं, उसका विरोध तो हम करेंगे। तो हम अब इनके मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं। तो पार्टी में तो अंतर्कलह जारी है लेकिन नरेंद्र मोदी की रैलियों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। आज वो ओडिशा के संभलपुर में पहुंचे जहां उन्होंने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा। सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर, उस पर उन्होंने तीखा हमला किया। साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस, उसे झूठ बोलने की आदत है, वो पिछले 60 साल से झूठ बोल रही है।